नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश होने का एक मामला सामने आया है। सौर्य एयरलाइंस का विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पीआईए के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जा रहे विमान में विमान चालक दल सहित 19 लोग सवार थे।